लड़की क्यों नहीं बारात लेकर आ सकती है, तो ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि दिस इज 2022। आज के जमाने में लड़कियां लड़कों के उतने ही बराबर है कि वो भी बारात। नमस्कार लखनऊ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वैसे तो नवाबों की नगरी में टांगे इक्का बग्गी शादियों में काफी संख्या में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि नवाबी शहर है तो नवाबी अंदाज में कई और भी चीजें यहाँ पर शामिल है। विंटेज कार का तो नाम आपने सुना होगा, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब शादियों में भी विंटेज कार को शामिल किया जाता है। आज इस शादी में मैं मौजूद हूँ, ये अर्जुनगंज का इलाका है और यहाँ पे दुल्हा और दुल्हन दोनों ओल्ड मॉडल जो कि 1950 से पहले की गाड़ियाँ हैं उससे अभी कुछ देर में, कुछ पलों में इस शादी में शामिल होंगे। तो विंटेज कार के आगाज की शुरुआत दूल्हे के साथ और शानदार तरीके से विवाह मंडप की तरफ दूल्हे और उनके रिश्तेदार बढ़ रहे हैं। और ये शानदार कार आप देख रहे हैं 80 के दशक की सबसे शानदार कार कंटेशा। जी हाँ, आज से ठीक 42 साल पहले जब शादी हुआ करती थी तो इस कार को लोग काफ़ी पसंद करते थे विवाह मंडप में। और देखिए दुल्हन की भी एंट्री हो चुकी है, ये 1934 ब्रिटिश काल की ये कार जो कि वॉल सीसी के नाम से प्रसिद्ध थी। इस विवाह के आयोजन में चार चांद लगाने के लिए जयमाल के स्टेज तक दुल्हन और उनके दोस्त और रिश्तेदार बढ़ रहे हैं, काफी खुशनुमा माहौल। ओल्ड इज गोल्ड, शादी में गवाह बनी ये विंटेज कार और यहाँ पे दुल्हन भी मौजूद है। हम कोशिश करते हैं दुल्हन से बात करने की कि आखिर क्या पर्पस था इस तरह से विंटेज कार को लाने का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अन्नपूर्णा मिश्रा है। अन्नपूर्णा जी, पहले तो आपको शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, ये इस तरह से आप आने का क्या मतलब था इस तरह से शादी में? मैं नवाबों के शहर लखनऊ से बिलोंग करती हूँ तो ये बहुत जरूरी है कि मेरी एंट्री भी एक नवाबी तरीके से हो, और क्यों ना इस विंटेज कार में हो, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि स्टीरियोटाइप्स लोग वो करते हैं कि लड़के ही बारात लेकर आते हैं, तो लड़की क्यों नहीं बारात लेकर आ सकती है। तो ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि दिस इज 2022। आज के जमाने में लड़कियां लड़कों के उतने ही बराबर है कि वो भी बारात। ऐप पर बेल आइकन दबाएं और आईनेक्स लाइव के कोई भी वीडियो मिस ना करें।